ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, ये केस खत्म नहीं हुआ है अभी। ये केस खत्म हो गया, तुम्हें पता नहीं चला? जज ने डिसाइड किया है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो आपके सामने से छूट कर चला गया मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये कैसे कर सकते हैं आप? कुछ तो किया होता आपने। सीजर प्लीज। इस केस का फैसला हो चुका है मिस्टर सीजर, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको भी उस आदमी पर यकीन है? इस आदमी की वजह से मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। जिस दिन मैंने इस आदमी को पकड़ा जिसने बहुत सी जवान लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी, तो बस मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मुझे लगा ये बहुत गलत हो रहा है, उसे कोई भी रिग्रेशन नहीं था। ये बात उसने जेल में एक मर्डर करके साबित कर दी। वो दोबारा बाहर आने वाला था। केस अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन तहसीन तो बाहर घूम रहा है ना? यकीन नहीं हो रहा मुझे। लगता है कोर्ट का फैसला आ गया। इन्होंने जरूर कोर्ट में झूठ बोला होगा। कैसे हो दोस्तों, क्या चल रहा है? चाय दे, चलो कार में बैठो। अरे जरा रुको ना। क्या बात है दासिन? ये किसने किया, ये सब ऑर्गेनाइज किसने किया? जैसे ये तमाशा इसने खुद नहीं करवाया है। जस्टिस हो गया है, इंसाफ मिला है मुझे। सालों पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये जगह कुछ भी नहीं थी। मैंने वादा किया था कि मैं इस जगह को जन्नत बनाऊंगा, जो हर इंसान को नई उम्मीद देगा, क्योंकि वादे की कीमत कसम से ज्यादा होती है। किसी को माफ कर देना दुनिया में सबसे बड़ा बदला होता है। मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना पसंद नहीं है। इसलिए मैं छोटी बड़ी हर तरह की गलती भूल जाता हूँ। हिसाब बराबर करना तो हमारा ट्रेडिशन है, और ये हिसाब तो मैं किसी भी तरह बराबर करके रहूंगा। तू हिसाब बराबर करेगा? हम हिसाब बराबर करेंगे आलमदार, जरूर करेंगे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आप आ रहे हैं मिस्टर सीजर? मैं एक काम करता हूँ, मैं रिफात से मिलकर आता हूँ। हे सुहान, गुड नाइट। और जान का क्या? मैंने सुना मिस्टर तहसीन ने उसे माफ नहीं किया। यानी कि तहसीन कोलोदाग से अब मुझे माफी मांगनी होगी, यही कह रही हो ना तुम? ऐसा नहीं होगा। जान ने मेरे डैड के सिर पर गन रख दी थी, वो उन्हें मारना चाहता था, मगर प्रोसिक्यूटर ने उसे छोड़ दिया और सीजर को जो चाहिए था वो मिल गया। तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुल के बताओगे? तुम्हें पुराने प्रोसिक्यूटर पर यकीन नहीं था, लेकिन ये नया प्रोसिक्यूटर भी कुछ कम नहीं है। वो भी यही चाहता था कि मेरे डैड अरेस्ट हो जाए।
क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम इन सब पर विश्वास करती हो? हाँ करती हूँ। तुम चाहते थे कि इसका उल्टा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पापा इनोसेंट हैं। तुम गलत साबित हुए हो। देखो सुहान, मैं तुमसे कसम खा के बोलता हूँ, जिस वक्त तुम्हारे डैड यहाँ पर आए थे उसी वक्त एक बड़ी साजिश की थी। वो उस आदमी को छुपा रहे थे जिसकी सबसे कम उम्मीद थी, और जब वो अरेस्ट हो गया तो तब उन्होंने सब कुछ मुतलू से कन्फेस करवाया। लेकिन जैसा तुमने अपने दिमाग में सोच रखा है वैसा नहीं है। मेरे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है, और उस आदमी ने क्राइम कन्फेस किया है। तुम्हें क्या लगता है उसने कन्फेस क्यों किया? हाँ क्यों किया कन्फेस? वो तो पहले ही भाग चुका था, और जब उसकी जगह पर कोई और अरेस्ट हो गया, वो आदमी जो बिना सोचे किसी को भी गोली मार देता है, उसने गवाही इसीलिए दी क्योंकि एकदम से उसका जमीर जाग गया। गुस्से में तुम कुछ और ही बन जाते हो, तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। ओ प्लीज सुहान, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अपनी आंखें खोलो सुहान, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। सीजर अब बहुत हो गया, बस करो, मुझे जाना है। तुम सब कुछ जानती हो ना, तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। मगर एक बात याद रखना, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। केमाल चलो। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं। सीजर, तो क्या तुम सीधा इस्तांबुल जाओगी? मैं बहुत थक गई हूं, पर हाँ मुझे जाना पड़ेगा। पहले डिनर कर ले फिर चले जाना। मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर भेज दूंगा, तुम्हें ड्राइव भी नहीं करना पड़ेगा और तुम लेट होने से पहले पहुंच जाओगी। ऑफर तो काफी अच्छा है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ठीक है चलो बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ। वो कितना जिद्दी है, जब चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरे पापा दो बार मरे, बस इसी बात से उसने अपने दिमाग में सारी कहानी बना ली है। उसके पापा वहां नहीं मरे थे, उनकी बॉडी को मूव किया गया था, वो मानने को तैयार नहीं उसके पापा ने सुसाइड किया। बस अपने दिमाग में एक स्टोरी बना ली है। और अगर उनकी स्टोरी सच हो तो? नहीं है। वो देखो वहां पर पिज्जा प्लेस है, आज डिनर के लिए पिज्जा खाते, क्या कहते हो? अगर शायद मैं उनकी जगह पर होता तो मैं भी यही सोच रहा होता, पर मैंने तुमसे नहीं पूछा, माफ कर दीजिए। वैसे भी घर पर बहुत खाना बना हुआ है, वही खा लेंगे, नेवर माइंड। Thank you.
जब कोर्ट का फैसला आया तो उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। बेचारा एकदम कंफ्यूज खरगोश जैसा दिख रहा था। अभी तो उसे और भी झटके लगने वाले हैं, देखते जाओ। हाँ, झटके तो लगने भी चाहिए। बेचारे ने बहुत कोशिश की तासीन कोलुदाग को अंदर करने की। तासीन, वो अब तक पकड़ा नहीं गया है, केस भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे डर है कि हम फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। ओके ओके ओके, दिमाग मत खराब करो। ओके, खाना रेडी है, चलिए तुम नीचे जाकर अपना डिनर करो, बाकी सब यहाँ अदालत संभाल लेगी। जाओ। रोस्ट को ज्यादा देर तक मत रखिएगा, 10 मिनट में इसे सर्व कर दीजिएगा, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूंगी। डिनर एंजॉय कीजिए। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए? I'm sorry. कुरहान और चाहिदे के सामने भी बात मत करना। कुरहान कहाँ है बाय द वे? जरूर अपने बच्चे को सहला रहा। ये देखो देखो देखो, सेम है, बिल्कुल सेम। ये साइन हमारी पेंटिंग्स के पीछे था। ये तुम्हारे दादाजी के पेंटिंग के पीछे था, मैंने आज ही देखा। देखो चाहिदे, अगर ये गलत हाथों में लग गया तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। प्लीज ये लेटर मुझे वापस दे दो। नहीं, ये मेरे पास रहेगा, और अगर तुमने मुझे थोड़ा भी अपसेट किया तो मैं ये लेटर सबको दिखा दूंगी। अच्छा, तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? हाँ, बोलिया से सीखा तुमने ये सब, है ना? देखो कुरहान, मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो। मेरे साथ अच्छे से पेश आओ और ये लेटर सेफ रहेगा। इस लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में? तो इसे छुपा कर क्यों रखा था? हा? छुपा कर रखा क्योंकि मॉम ने इसे रखा था। तो ये मेरे पास भी सेफ रहेगा, कम से कम तुम जैसे शराबी के पास होने से तो अच्छा है। मत करो, ऐसा मत करो, इसे मैं रखूंगी। बैंड कैसा था मेहमत? या थैंक्स टू मिस्टर निहात, उन्होंने कहा था वो शहर का सबसे बेस्ट बैंड भेजेंगे। इनके पास कम से कम ये करने की पावर तो है। ऐसी शक्ल मत बनाओ अदालत। आज मैंने पूरा दिन कोर्ट में ऐसे ही लटके हुए चेहरे देखे। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो टेंशन ले रही हूँ? सीजर हसन की ग्रेव जरूर खुलवाएगा, देख लीजिएगा। देखो, इस बात को 30 साल हो गए हैं, उसमें बचा ही क्या होगा अब? मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, पर आज की टेक्नोलॉजी के साथ 30 साल पुरानी कब्र से भी नतीजे निकाले गए हैं। तो अब आगे क्या होगा? फिलहाल अगर वहाँ कुछ भी किया तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ग्रेव से छेड़छाड़ की गई। बिल्कुल ठीक, उस रात बस एक ही बंदूक से गोली चली थी। और वो भी रीजा के हाथ में थी। तो उसने पहले जॉब मैनेजर को मारा और फिर अपने आप ही कार को क्लिप से धक्का दे दिया। सच में ऐसा ही है क्या? बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। तुम इस इंसिडेंट का एक बेटर वर्जन सोचने के लिए जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आप डिनर एंजॉय कीजिए। हेलो डैड, सॉरी मैं लेट हो गई, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, पर रोस्ट मिस नहीं करोगी। कम ऑन अदालत, अपनी डॉटर इन लॉ को खाना दो। आविश, तुमने मिस्टर सीजर के आने का वेट किया होता। अगर तुम उनकी एब्सेंस में यहाँ से जाओगी तो उन्हें लगेगा तुम उन्हें छोड़कर जा रही हो। मुझे ऐसे मत देखो सुहान, जब तुम यहाँ नहीं थी तो मिस्टर सीजर कितने उदास थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझी तुम? ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है, अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो सिर्फ कुछ ही देर के लिए। देखो शरीन, मैं नहीं चाहती ये सब मेरे सामने हो। सुहान, आई होप कि इससे तुम दोनों के बीच में कोई दूरियां ना आए। अब चीजें बदल गई हैं, हमें थोड़ी दूरियां बढ़ानी होंगी। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो फिर ठीक है। मैं नहीं चाहती मिसेस फ्यूजन मुझे जाते हुए देखे। सॉरी, अब ये पॉसिबल नहीं है।
पास जा रही हो तो क्या मुझे भी साथ ले जाओगी? नहीं, मैं उसके पास नहीं जा रही। वैसे भी सीजर जल्द ही घर आ जाएगा। मैं केमाल को कह दूंगी कि वो सारे दरवाजे में कील ठोककर उसे परमानेंटली बंद कर दे, ताकि हम सब अंदर ही रहें और कोई बाहर ना जा सके। जिस किसी को देखो हर कोई बाहर जाता रहता है। आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं मिसेस फ्यूजन। मिसेस फ्यूजन? ओह सो क्यूट, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू मॉम। इस घर में कुछ तो है ना, कुछ तो है जो बदल गया है। गुड बाय। ओह मुझे गुड बाय मत बोला करो। मैंने कहा है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ फ्यूजन आंटी, आज हम ज्यादा वॉक नहीं कर पाए? हाँ हाँ आज बहुत ज्यादा ठंड भी थी ना शायद इसलिए। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, कल ना हम केमाल से कहेंगे कि हमें टाउन लेकर जाए और फिर हम गाड़ी में घूमेंगे। हाँ क्या आप निशान तस्सी में होगी उस ग्लास हाउस में? मेरा मतलब सिरीन उसे वही बुलाती है। हाँ ग्लास हाउस में। आजकल हम बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं और आसपास के लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, मुझे माफ कर देना। अरे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ पर कोई बात नहीं, आप संभल कर जाइए। पर क्या? मेरा मतलब दो लोग एक दूसरे से आसानी से नहीं मिलते, और अगर वो सभी परेशानियों के बावजूद भी साथ रहे तो मेरा मतलब एक को तो हिम्मत दिखानी चाहिए। ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि अच्छी चीजों के लिए भी, बुराइयां हमेशा नहीं जीतनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आपको हमेशा साथ रहना चाहिए। मानता हूं मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, पर आपकी समझ में आ गया होगा। खैर छोड़िए, मैं भी आपको पता नहीं क्यों। मैं समझ गई। जब आप पहुंचे तो टेक्स्ट करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके। मैंने कहा था ना, रिफात इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्र है ऊपर वाले का। उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा। अब जरा सोचो चांद, जरा सोच कर देखो कि इन बीते दिनों में हमने क्या क्या झेला है। समझ रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूं। शुक्रिया सीजर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए। डोर लॉक कर दिया था क्या? हेलो मिस्टर सेरहार्ट, मुझे बाय चांस पता चला कि आप भी यहाँ ठहरे हुए हैं तो मैं बस हेलो कहने चली आई। हेलो, यस। अगर आपके पास टाइम है तो क्या हम नीचे जा सकते हैं? एक कप कॉफी पी लेंगे और कुछ बात भी कर लेंगे। नहीं मैम, सॉरी।
मेरी बात सुनिए, मैं हफ्तों तक तहसीन कोलुदा के घर में रही हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बता सकती हूँ जो शायद आपके काम आ जाए। आप जो भी कहना चाहती हैं अपनी स्टेटमेंट में कहिएगा। गुड नाइट। Thanks. Good night. Enjoy your meal. मैम आप ठीक तो हैं ना? मेरे एंकल में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कैसे। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं, बस मुझे मेरे रूम तक पहुँचा दीजिए, इधर पास में ही है। ठीक है मैम, मैं लेके चलता हूँ, आइए। शुक्रिया। आप अपना वेट मुझ पर डाल दीजिए। हाँ मैं वही कर रही हूँ। मैम आराम से। थैंक यू। हाँ आराम से। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम पहले कभी यहाँ आई हो? हाँ एक बार आई हूँ, सीजर के साथ ही आई थी। ऐसा कुछ करने का चांस है जो तुमने सीजर के साथ नहीं किया? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तुमने तो मेरे बारे में अच्छे से रिसर्च की है ना? मैंने वो रिसर्च तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं की। तुम सीजर को हर्ट करना चाहते थे। हाँ ये सच है, मैं सीजर को पसंद नहीं करता और तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। जिस दिन से वो मेरी जिंदगी में आया है उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और उसका बदला तुम मेरे थ्रू लेना चाहते हो। हर आदमी वैसे ही प्यार चाहता है जैसे तुम सीजर से प्यार करते हो। ऑब्वियसली मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे सीजर के लिए मेरे प्यार की वजह से जानते हो और मैं तुम्हें सीजर के लिए तुम्हारी नफरत की वजह से। सच है। सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक मौका चाहता हूं एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का। मैं सीजर के अगेंस्ट कुछ भी गलत नहीं करूंगी। आई होप तुम मुझसे ऐसी कोई डिमांड नहीं करोगे। ठीक है। और हम एक दूसरे से हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। तो फिर एक नई शुरुआत के नाम। ये लो, तुम्हारा आदमी अब तक नहीं पकड़ा गया। हाँ थैंक्स। ए क्या मतलब मेरा आदमी? वो बस तुमसे ही बात करता था। धीरे बोल, मैं नहीं चाहता कि इस चक्कर में मैं भी खामखा फंस जाऊं। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा। तुम भी कोरलू दाग से हो? क्या तुम भी वहीं से हो? अदालत सोइजलू। जानते हो उसे? अदालत कोरलू दाग बोलो। अब वो तहसीन कोरलू दाग की वाइफ है।
बेवकूफ आदमी, 30 साल तक तो जेल में बंद रहा और जब छूटने का टाइम आया तो भाग गया। सोच सकते हो? उसने जरूर कुछ सोचा होगा। ये देखिए, कोल्लूदाग विलेज यही है। जो ढूंढ रहे थे वो मिला क्या? मैंने सिर्फ इसलिए अग्री किया क्योंकि तुम मुझे ड्राइवर के साथ भेज रहे थे। क्यों, क्या तुम्हें ये ड्राइवर पसंद नहीं? अब तुम्हें पूरे रास्ते अकेले जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास इसका कोई सलूशन है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी चांस लेना चाहता था। मैं टैक्सी बुला देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मैं थोड़ा वॉक करना चाहता हूँ। वैसे भी रास्ते में टैक्सी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, ऑलराइट देन। डिनर बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। और इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू। सी यू। मैंने तासिन कोर्लुदाग से मदद मांगने के लिए फोन किया था, पर उसने मना कर दिया। झूठ है ये, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब झूठ है। जज साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब के सब मिले हुए हैं। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बाहर निकालो उसे। इन्होंने तासिन कोर्लुदाग को बाहर निकालने के लिए ये सब किया, इनका यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, मैं तुझे खत्म कर दूंगा तासिन कोर्लुदाग, याद रखना। और एक बात और, मैं तुझे सलाखों के पीछे भेज कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम सीजर आलमदार नहीं। क्या वो फिर से अपना सामान उठाकर चली गए? वो वैसे भी ज्यादा सामान नहीं लाई थी, मुझे लगा आपको तो पता होगा। नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। उफ, आज तो वो सच में बहुत बेचैन है। सॉरी, सॉरी। वो जाते हुए सिर्फ अपना लैपटॉप लेकर गई थी। ठीक है, ओके। फिर भी आप दोनों बात तो कर सकते हैं, मेरा मतलब आप दोनों। हाँ, वो मैं देख लूंगा, थैंक्स। मॉम उठ जाए तो सुबह कॉल करना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। मिस्टर रिफात को मेरा हेलो बोलना।
थैंक यू। जब तक तासिन कोलोदाग और सीजर की लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक इन दोनों को शांति नहीं मिलने वाली। I wish मिसेस सुहान ऐसा भागना बंद करें। पर वो कर भी क्या सकती है केमाल? अगर वो रुकेगी तो दोनों झगड़ा करेंगे। तो बेहतर यही होगा ना कि वो कुछ टाइम के लिए दूर चली जाए और हालात ठीक होने का वेट करें। मगर ऐसे भागना कब तक चलेगा? तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा है? और सभी मुसीबतों के बावजूद तुमने मुझसे इतना प्यार किया, उसके लिए थैंक यू सो मच सुहान आलमदार। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। I'm sorry, Mrs. Mehriban, आपने कई बार कॉल किया था, मैं उठा नहीं पाया। नहीं, I am sorry, मैं तुम्हें बार बार परेशान कर रही हूँ, पर आज तुमसे बात नहीं हो पाई, तो तुमसे बात करनी थी इससे पहले कि देर हो जाए। प्लीज बोलिए ना, क्या बताना है आपको? सुनो सीजर, कुरहान के पास एक लेटर है जो तासन कोलुदा को जेल भेज सकता है। बाय चांस ही मैंने ये बात सुन ली जब वो बुलेंद से कह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हा? आपका मतलब है कि रिजा ने मुझे एक और लेटर लिखा है? बात सुनो, कुरहान के पास एक लेटर है जो उसने अपने सेफ में छिपाया हुआ था। जब आज तासिन अरेस्ट हुआ तो उसे लगा कि ये सब उस लेटर की वजह से हो रहा है, और वो पूछ रहा था कि वो लेटर किसने लिया है। उस लेटर को लेकर वो बहुत परेशान था, और फाइनली जब उसने कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की तो पता चला कि वो लेटर जाहिद ने लिया है। हा? उसके जाने के बाद मैंने भी रिकॉर्डिंग्स चेक की थी। मैंने IT डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाया और पिक्चर को जूम करके देखा तो मुझे भी यकीन हो गया। वो पेपर आधा फटा हुआ था और उस पर एक सिग्नेचर था कारहासन ग्लू नाम के किसी आदमी का। ये क्या कह रही हैं मिसेस मेहरबान? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमसे बात नहीं हो पा रही थी इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था। मैंने तुम्हें फोटो भी भेजी थी, अपना मैसेज चेक करो, मैंने काफी देर पहले तुम्हें वो फोटो भेजी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस मेहरबान, मैं अभी मैसेज चेक करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे कॉल करना अब। मिस्टर सीजा, डैड होश में आ गए हैं। रिफात, आप ठीक हैं? आप कैसे हैं मिस्टर रिफात? मैंने अभी डैड से बात की और वो मुस्कुराए। रिफात बोलिए ना, मैं हूं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन्हें परेशान तो नहीं कर रहे ना? आप इनसे बात कीजिए, जब जाना होगा तो नर्स आपको बता देगी। डैड सुनिए, हम सब यहाँ पर हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मेरी बातें सुन सकते हैं? अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, आप बस पहले ठीक हो जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। सर, कल आप अपना ब्रेकफास्ट यहीं रूम में लेना चाहेंगे या नीचे जाकर करेंगे? I don't know, शायद बाहर जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ आए कैसे? क्या हो रहा है? पता नहीं सर। बदमाश कहीं के, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना, आप उसके लिए इल्जाम लगा रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? प्लीज, मैं ये नहीं कर सकता मैम, समझिए। देखो, मेरा काम करोगे तो ये पैसे तुम्हारे। तुम जानते हो तुम एक साल में भी इतने पैसे नहीं कमा सकते। कल सुबह नौकरी छोड़ देना, बस तुम्हें इसे इंस्टॉल करना है, समझे?
मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने हा? क्या सोचा तुमने? मैम एक मिनट अब शांत हो जाइए। इसने मेरा दरवाजा नॉक किया और फिर जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की। नहीं सर मैं कसम खाता हूँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या तुम इस होटल में कस्टमर हो? जी सर नहीं मैं नीचे बार में आया था और हमने थोड़ी बात की और मुझे लगा कि ये मुझे इनवाइट कर रही है। क्या मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया? ये झूठ बोल रहा है सर, मैंने इसे नहीं बुलाया है, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहा है। एक काम करो तुम नीचे जाओ। आप होटल के मैनेजमेंट से शिकायत करना चाहते हैं या हम अभी पुलिस को बुलाएं? नहीं नहीं ये जरूर तासिन कोलुदा का आदमी होगा, मैं जानती हूँ उसने इसे हायर किया है। मैं क्या बकवास कर रही हो? तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो अब झूठ बोल रही हो? जस्ट शट अप, बकवास मत करो, निकलो यहाँ से, जाओ। तुम कंप्लेन करोगी? क्या तुम जानते हो ये आदमी कौन है? ये यहाँ के प्रोसिक्यूटर है, समझे तुम? प्रोसिक्यूटर तो ज्यादा होशियार मत बनो। प्रोसिक्यूटर सर मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं। ये मत सोचना कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी सर, ये जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कंप्लेन करूँ? समझ नहीं आ रहा क्या कंप्लेन करूँ, किस किस की कंप्लेन करूँ सर? मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं। ओके तुम दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर भी मत आना। ठीक है निकलो यहाँ से। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तमाशा चल रहा है क्या? जाओ अपना काम करो। बस ठीक है सर आप जाइए आराम कीजिए। It's okay, ma'am. आपका बस इतना ही फर्ज बनता है। मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपने मना कर दिया। देखिए सर व्हाटएवर, जब उसने आपको देखा तो वो यहाँ से खुद ही भाग गया। मुझे इस मामले में और नहीं पड़ना था और मैं सबके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। I'm so sorry. Good night. Good night. Good night, sir. Good night, sir. जल्दी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। क्या काम हो गया? हाँ हो गया। तुमने ठीक से किया? हाँ हाँ मैम। अब किसी के देखने से पहले यहाँ से छुप कर निकल जाओ। हाँ, ठीक है। इंद्रम या कहूं आयशे, तुम काम के लिए कौन सा नाम यूज करती हो? जो भी आप बुलाना चाहे आप बुला सकते हैं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बताइए आपको क्या चाहिए? क्या तुम अपनी सभी परेशानियों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती हो? हेलो गुड जॉब। मैंने अपना काम पूरा किया मिस्टर महमत, अब आप अपना वादा मत भूलना। दुआ करो कि हमें प्रोसिक्यूटर को किसी भी तरह फंसाने के लिए उसके लैपटॉप में से कुछ ना कुछ मिल जाए। अब उस सब के बारे में मैं नहीं जानती, मैंने सिर्फ वही किया जो आपने मुझे कहा। तासीन कोलुदाग ये सुनकर बहुत खुश होंगे, अब से तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है फिर देखते हैं क्या होता है। गुड नाइट मिस्टर महमत।